हाय गाइस, कैसे हो? मैं मनीष इंदौरिया एंड राजमेडियो फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए गाइस, आज राज में कुछ सीख लेते हैं, कुछ सिंपल स्टेप जो बोलते हैं सर, बिल्कुल सिंपल से बताओ, हम तो शुरुआत से सीखना चाहते हैं। तो शुरुआत से लो यार, डीजे पे जाओ, अभी शादियां चल रही है, ऐसे स्टेप बताऊंगा तीन आपको, आप बोलोगे सर मजा आ गया डांस में हमने किया, किसी भी सॉन्ग पे आप कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी तीनों स्टेप को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अच्छे स्टेप है, बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो। और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और एंजॉय करो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना है, ये इस पहले भी डीजे स्टेप मैंने बताया है, ये पार्ट टू है इसका, अगला पार्ट है जो उसको आपने बहुत अच्छा प्यार दिया था, थैंक यू। ये इसका पार्ट टू है डीजे स्टेप का, कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, हमें लेफ्ट लेग को आगे रखना है, पंजे उठाना है, एडी रखनी है, ओके, वन, और हाथ अपोजिट, अगर हमारा लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड ऐसे ऊपर से आएगा, ओके। ये आप ढोल पे भी कर सकते हो, डीजे पे कर सकते हो, किसी भी सॉन्ग पे। वन, जैसे ही लेग की एडी रखी, लेफ्ट लेग राइट हैंड आएगा, ओके। वन टू, पूरा पांव रखना, फिर वन टू, फिर ये वाला राइट लेग तो लेफ्ट हैंड, यानी कि अपोजिट करना है हमें, लेग ये तो हाथ ये। अब राइट लेग रखा, एडी रखनी है, पहले एडी रखनी है, हाथ आगे लेके आना, उसके बाद पूरा पांव रखना है, टू में, यानी कि वन टू थ्री फोर, ओके। कैसे करना फिर से देखो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ओके, समझ में आ रहा है ना? फिर से देखो क्या करना है इसमें, सिंपल सी बात है, एडी रखनी है और टू में फिर पूरा पांव रखना है, हाथ और नीचे आ जाएगा। अब राइट लेग आएगा तो लेफ्ट हैंड आएगा, एडी रखनी है फिर पूरा पंजा रखना है, ठीक है? तो इसके लिए कैसे हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हाथ ऊपर किया, सिंपल इंजॉयमेंट के साथ करना, ये स्टेप है ना, इंजॉय वाले हैं, आप कैसे फुल इंजॉय के साथ कर सकते हो और अच्छे भी लगेंगे। वन टू, यानी कि लेग को बाहर लेके, लेफ्ट को, फिर राइट को इसके पास लाए, राइट की तरफ जाएंगे, पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग, हाथ को ऐसे यूज करना है, हाथ ऊपर की, वन टू थ्री फोर, ओके। कैसे करना है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ओके, सिंपल है, सिंपल सिखा रहा हूं, सिंपल से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, पूरा बेसिक कराऊंगा आपको, ठीक है? बस आप जुड़े रहो, लोगों के साथ शेयर करो। लास्ट स्टेप है तीसरा स्टेप, ठीक है? उसके लिए क्या करना है, हम एक साइड की तरफ बॉडी कर लेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ कर लिया, मान लो ऑडियंस सामने वाले पास, क्या करना है, वन टू, वन टू, ऐसे, यानी कि क्लैप किया, वन टू, फिर क्लैप किया, वन, शोल्डर भी मूव करने हैं और टू, ये मैं एक बार साइड होकर बताता हूं कैसे चल रहा है इसमें, वन टू, शोल्डर कंटिन्यू चलेंगे, वन, छोटे छोटे कदम रखने हैं, क्यों, और बैंड रहना थोड़ा सा, ऐसे हम इसको सीधा नहीं करना, बैंड हो गए करना, वन टू, वन टू, तो ये बस साइड में करना, आप देखो साइड में मैंने पहले कभी नहीं सिखाया, आपको अभी बता रहा हूं, क्लैप किया, वन टू, फिर क्लैप किया, वन टू, तो है ना इजी, समझ में आया ना? अब यही स्टेप आप तीनों म्यूजिक के साथ देखो, ओके, चलो। ओके गाइस, तो कैसी लगी वीडियो, थ्री स्टेप बताया, बिल्कुल बेसिक, आराम से सीखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जब तक कीप डांसिंग करते रहो।